ये बात ये है दरअसल कि हमने अपनी बहन का रास्ता करा कांदला और हमें बिचौले ने भी नहीं बताया जी। और जब बारात आ चुकी, खाना खुना खा चुकी, और जो एक लड़की पहले रिश्ता था उसका, दो शादी थी मतलब पहले ही, तीसरी यहाँ पर आई, तो जो लड़की खाना खुना निकाह तो पहले से वो लड़की आई पहली पत्नी, कहले ये शादी मैं करने नहीं दूँगी। तो दरअसल ये बात है, हमें फिर पता लगा, फिर पब्लिक को भी बुरा लगा इस बात का, पब्लिक ने उसको मतलब समझाया या जैसा भी करा, पब्लिक ने पुलिस के हवाले किया उन्हें, उसकी पिटाई भी की गई, मुर्गा बनाया गया। अच्छा, फिर किस तरह की कार्रवाई तुमने पुलिस से करवाई है उनके खिलाफ? कार्रवाई जी ये दिया थाने में दिए जो ना, कि हमने कहा उनसे कि भाई जो हमारा खर्चा हो रहा ये दे दो, लेकिन वे बार बार यही कहते रहे हमारे पे मुकदमा कर दो, हम आपको पैसा नहीं देंगे। अच्छा, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं तुम उन पर? जी कार्रवाई ये चाहते हैं इन्हें कड़ी से कड़ी सख्त हो सजा हो, और जैसा मतलब ये लड़कियों की ज़िंदगी खराब बर्बाद करते फिर रहे हैं, किसी और बच्ची के साथ ना हो, ये तो खुदा सिद्धत है, हमारी लड़की की इज्जत रहेगी, जान बचगी, वरना हम भी नहीं खींचे फिरते ज़िंदगी भर। ये दिनांक 10 सितंबर की घटना है। एक युवक जो है दूसरी शादी करने के लिए वहाँ पहुँचा था, जिसमें वाद विवाद हो गया, बात काफ़ी बढ़ी, जिसमें मारपीट हुई, इसमें पुलिस ने 3 लोगों को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार किया और उनको 14 दिन के रिमांड पर कारागार भेज दिया गया है। मौके पर अब शांति बनी हुई, यदि और भी कोई इसमें कोई तहरीर आएगी तो उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।